हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज हम बात करेंगे स्पार्क प्लग्स इन मोटरसाइकिल्स। आज के वीडियो के बाद आपके स्पार्क प्लग के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, एक ख़राब स्पार्क प्लग से मोटरसाइकिल्स में क्या इश्यूज़ आते हैं, माइलेज पर असर पड़ता है, इंजन स्मूथनेस पर असर पड़ता है, इंजन मिसफायर करती है, एक ख़राब स्पार्क प्लग को आप कैसे पहचाने, ओके, उसको कभी चेंज करना चाहिए, कभी रिप्लेस करना चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। सो एक 12 वोल्ट की बैटरी होती है मोटरसाइकिल में, उससे 25,000 वोल्ट का स्पार्क जनरेट करना, वो कैसे जनरेट करता है स्पार्क प्लग, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है वो समझेंगे। बिकॉज 25,000 वोल्ट से कम अगर वोल्टेज है स्पार्क प्लग की, तो वो फ्यूल को बर्न नहीं कर पाएगा, आपकी मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो वो कैसे करता है वो सारा समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्पार्क प्लग को 3 वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो वो 3 वर्ड्स होंगे। एक तो वो सस्ता होता है, दूसरा वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट होता है, और तीसरा वो बहुत ज़्यादा अब्यूज्ड इक्विपमेंट होता है। अब्यूज्ड इसके लिए बिकॉज वो सिलेंडर के अंदर होता है जहाँ पे पेट्रोल बर्न होता है, राइट, गैसेस बर्न होती है, सो द पुअर गाय हैज़ टू टेक लॉट ऑफ हीट। और दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें ये है फ्रेंड्स, इसमें आगे गैप दी जाती है। अब गैप देख रहे हैं दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, वो गैप क्यों दी जाती है उसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है। आइए बात करते हैं। एक स्पार्क प्लग के कॉम्पोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, वो कैसे काम करता है, इंजन के अंदर उसका क्या पर्पस है, राइट। आई थिंक ये तो सबको पता होगा कि स्पार्क प्लग जो है वो एक स्पार्क क्रिएट करता है, जिससे एयर और पेट्रोल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर बर्न होता है, राइट, और उससे पावर जनरेट होता है। बट स्पार्क प्लग में पावर कैसे आता है, स्पार्क प्लग अंदर एग्जैक्टली करता क्या है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। ओके, कॉन्सेप्चुअली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, सो दैट यू डोंट मिस माई फ्यूचर वीडियोस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्पार्क प्लग जो है, जो 40,000 तक का वोल्टेज जनरेट करता है, ओके, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, इंजन के अंदर, मोटरसाइकिल इंजन के अंदर वो 20,000 से 40,000 वोल्टेज का करंट प्रोड्यूस करता है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंजन, सिलेंडर की साइज, इंजन की साइज, कॉम्प्रेशन रेशियो, बेस्ड ऑन दैट उसको 20,000 से 40,000 का वोल्टेज जनरेट करने का है स्पार्क प्लग को। ओके, और तभी जाके वो फ्यूल और एयर के मिक्सचर को बर्न कर पाएगा, ब्लास्ट क्रिएट कर पाएगा, और ब्लास्ट होगा तभी पिस्टन नीचे जाएगा, तभी पावर जनरेट होगा, राइट, आरपीएम्स जनरेट होंगे, क्रैंकशाफ्ट घूमेगा, पिस्टन नीचे जाएगा तो क्रैंकशाफ्ट को घुमाएगा, क्रैंकशाफ्ट घूमेगा तो आरपीएम्स जनरेट होंगे, पावर जनरेट होगा, राइट। 20,000 से 40,000 का वोल्ट कैसे प्रोड्यूस करता है स्पार्क प्लग, जबकि आपकी बैटरी जो है मोटरसाइकिल की वो 12 से 14 वोल्ट की होती है, राइट, 12 या 14 वोल्ट की होती है मोटरसाइकिल की बैटरी। तो ये जो 12 और 14 वोल्ट का जो पावर है वो इग्निशन कॉइल में जाता है, और इग्निशन कॉइल फिर उसको बढ़ा देता है वोल्टेज को। ओके, तो इग्निशन कॉइल में बेसिकली एक वाइंडिंग होती है, वायर की वाइंडिंग होती है, जैसे आपने पंखे में देखा होगा वाइंडिंग होती है, राइट, सीलिंग फैन में, तो वैसे ही ये हाई डेंसिटी वायर्स को घुमाते हैं। ओके, घुमाते हैं तो प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल होती है, आपका जो 12-14 वोल्ट की जो बैटरी है वो पावर बेसिकली जाता है इग्निशन कॉइल में। प्राइमरी कॉइल में हाई डेंसिटी होती है, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें फाइनर वायर्स होती है, वायर्स की वजह से वो वोल्टेज बढ़ जाता है। नाउ ये वोल्टेज जब बढ़ जाता है तो वो भेजता है डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट को। ओके, अभी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट बेसिकली डिसाइड करेगा, अगर मान लो आपके मोटरसाइकिल में एक से ज़्यादा स्पार्क प्लग है, कोई कोई मोटरसाइकिल में 2 स्पार्क प्लग होते हैं, किसी में और भी ज़्यादा होते हैं, राइट, तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट विल डिसाइड करेगा पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, सो ये प्रोसेस तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। हम जैसे इग्निशन ऑन करते हैं, मोटरसाइकिल को स्विच ऑन करते हैं, बैटरी से पावर जाता है इग्निशन कॉइल में, इग्निशन कॉइल उसको वोल्टेज बढ़ा देता है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट को भेजता है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट स्पार्क प्लग में भेजता है। ओके, अभी आते हैं स्पार्क प्लग के स्ट्रक्चर को समझते हैं, कॉम्पोनेंट को समझते हैं, स्पार्क प्लग में क्या क्या होता है। ओके, और वो पावर कैसे जाता है सिलेंडर में। ओके, सबसे पहला स्पार्क प्लग का कंपोनेंट है टर्मिनल। ओके, अब ये टर्मिनल जो होता है वो हाई टेंशन वायर्स के साथ कनेक्टेड होता है टू डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से पावर आता है 25,000 वोल्ट्स का इनटू टर्मिनल वाया हाई टेंशन केबल। ओके, और फिर वो ट्रांसफ़र होता है सेंट्रल इलेक्ट्रोड में। सेंट्रल इलेक्ट्रोड जो है वो सबसे नीचे वाला पोर्शन है जो सिलेंडर के अंदर होता है, जो इंजन के अंदर होता है। सो वील कम टू सेंट्रल इलेक्ट्रोड शॉर्टली, वो क्या काम करता है। उसके बाद होता है इंसुलेटर, बिकॉज वो कंपोनेंट इंजन के बाहर होता है तो उसको सिरेमिक का इंसुलेशन देते हैं ताकि करंट
फ्लो नहीं हो, करंट बाहर नहीं लग जाए, बाइक में नहीं लग जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बेसिकली वो इंसुलेट करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है मेटल बॉडी। सो अभी ये मेटल बॉडी जो है फ्रेंड्स, ये हाई प्रिसिशन इक्विपमेंट होता है। ओके, ये स्टील का होता है, बेसिकली इसमें थ्रेड्स लगे होते हैं। उसके दो पर्पस है, एक तो उसको डालना और उसको निकालना, राइट, प्लस उसको हाई वोल्टेज भी ट्रांसफ़र करना है। ओके, सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस मेटल बॉडी। तो ये थ्रेड्स की वजह से आप सिलेंडर में उसको फिट कर पाते हैं, राइट। मोटरसाइकिल का जो सिलेंडर होता है, मोटरसाइकिल की जो इंजन होती है, उसके सबसे ऊपर ये इसको आप थ्रेड की वजह से आप इसको फिट कर पाते हैं। ओके, सो अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द स्पार्क प्लग, विच इज़ सेंट्रल इलेक्ट्रोड। ओके, इसमें दो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है और एक ग्राउंड इलेक्ट्रोड होता है। अभी जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड होता है वो एक वेल्डेड पोर्शन होता है मेटल का। ओके, और जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है वो स्पार्क जनरेट करता है। सो ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है फ्रेंड्स, इसमें हाई वोल्टेज होता है 25,000 वोल्ट का। ओके, तो इस ये प्लेटिनम का होता है, या आजकल आपने सुना होगा इरिडियम। ओके, इरिडियम के भी आते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रोड और जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड है उसमें गैप दी जाती है, देर इज़ ऑलवेज अ स्मॉल गैप। अगर आप देखेंगे कोई भी आप स्पार्क प्लग हाथ में पकड़ के, आपको एक छोटा सा गैप दिखेगा वो सेंट्रल इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच में। अब ये गैप क्यों देते हैं? सो वो जो छोटा सा गैप क्यों देते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज वो गैप में वो 25,000 वोल्ट का स्पार्क बेचता है। सेंट्रल इलेक्ट्रोड वो 25,000 वोल्टेज का स्पार्क बेचता है। ये दोनों कॉम्पोनेंट है वो सिलेंडर के अंदर होते हैं, क्योंकि इंजन के अंदर होते हैं, जहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। ओके, पेट्रोल होता है उसके अंदर, हवा और पेट्रोल होती है, राइट। और वो गैप छोटा सा क्यों होता है? बिकॉज वो छोटे से गैप में ही उस ऑक्सीजन को, उस गैस को आयोनाइज करना होता है। आयोनाइज करना होता है मतलब हीट क्रिएट करना होता है, हीट क्रिएट करना होता है मतलब ब्लास्ट क्रिएट करना होता है। अगर उसका गैप बड़ा कर देंगे ना, तो वो जो 25,000 वोल्ट है ना, उसका स्पार्क वीक हो जाएगा, इट विल नॉट हैव स्ट्रेंथ टू आयोनाइज द गैसेस। सो फ्रेंड्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनेगा। तो ये जो छोटा गैप दिया जाता है, उसी गैप में वो 25,000 वोल्टेज का करंट काम करता है। अगर वो गैप बड़ा कर देंगे ना, तो वो वोल्टेज, वो जो स्पार्क में इतना स्ट्रेंथ नहीं होगा कि वो इतनी हीट क्रिएट कर सके, वो जो ऑक्सीजन है, वो जो गैस है, उसको आयोनाइज नहीं कर पाएगा। वो अगर पूरे सिलेंडर में वो स्पार्क टिकेगा तो वो हीट ही नहीं क्रिएट कर पाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन और जो गैस है उसका भी स्ट्रेंथ होता है, उसका खुद का भी स्ट्रेंथ होता है, राइट। तो इसकी वजह से वो छोटे कंपोनेंट में ही वो इतनी हीट क्रिएट कर पाता है। तो अगर स्पार्क प्लग की गैप को एकदम लेमन टर्म्स में समझना हो, तो हम ये देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम घर पे हमारे पूरी साइंस है। ओके, अभी ये मेरा गैस है। ओके, किचन में गैस है, अभी मैं उसको लाइटर से जलाता हूँ। ओके, गैस जल गई, ठीक है। अभी वो जो कवर गैस का लगा हुआ है, कवर मतलब जहाँ से छोटे छोटे होल्स हैं, ये छोटे छोटे होल्स में से गैस निकलती है। ओके, मेरे को इसको निकालने दो, गर्म है। ओके, अभी आप देखेंगे ना, इसमें छोटे छोटे होल्स हैं, राइट। ये होल्स में से गैस आती है तो लाइटर उसको जला पा रहा है, राइट। अगर ये होल्स बड़े हो गए, अभी मैंने निकाल दिया, राइट। अभी मैं ये बड़े होल, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन में गैस आती है। ओके, अभी मैंने इसको ढक्कन निकाल दिया, अभी मैं लाइटर से ऑन करता हूँ, ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अभी आप देखेंगे नहीं जल रहा है, कैन यू सी, इट्स नॉट बर्निंग, बिकॉज वो गैस काफ़ी ज़्यादा है और लाइटर में कैपेसिटी नहीं है, लाइटर के स्पार्क में कैपेसिटी नहीं है उसको बर्न करने की। सो स्पार्क प्लग भी उसी तरह है फ्रेंड्स। तो उसी तरह से ये मोटरसाइकिल का जो सिलेंडर है, मोटरसाइकिल की जो इंजन है, उसके अंदर हीट क्रिएट करना है छोटे से स्पेस में, ताकि उतनी छोटी सी हवा, वो छोटे से गैप में थोड़ी हवा होगी ना, तो हवा के बीच में से उसको स्पार्क को, वोल्टेज को पास करना है, तो वो गैस को, ऑक्सीजन को वो आयोनाइज करेगा और वो छोटे से स्पेस में वो हीट क्रिएट करेगा, वो हीट से फिर वो ब्लास्ट होता है पूरे सिलेंडर। तो ये है कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, स्पार्क प्लग में जो गैप दी जाती है, राइट। तो इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, बहुत छोटी गैप भी नहीं होनी चाहिए, इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि उसके अंदर ऑक्सीजन गैस जा ही नहीं पाए, और गैस नहीं जा पाएगी उसके अंदर, तो वो जो स्पार्क है, वो उससे स्पार्क तो क्रिएट करेगा लेकिन आयोनाइज नहीं कर पाएगा, हीट क्रिएट नहीं कर पाएगा। ओके, और बहुत ज़्यादा गैप होगी तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा गैस का, और अगर गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं होगी स्पार्क में कि हीट क्रिएट कर सके। तो राइट अमाउंट ऑफ गैप इन द स्पार्क प्लग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके बीच में, सेंट्रल इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच में गैप। ओके,
इसमें और भी कंपोनेंट्स होते हैं फ्रेंड्स स्पार्क प्लग में, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट, अदरवाइज वीडियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ओके, इंसुलेटर टिप होता है, कैस्केट होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट जो मैंने आपको बताया वो मोटे मोटे से कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट. सो फ्रेंड्स, सिम्टम्स क्या है एक खराब स्पार्क प्लग के? ओके, सबसे पहले तो एक मिसफायर करेगी आपकी इंजन, या फिर बैकफायर करेगी, या फिर अगर आपकी इंजन आइडल है एक स्मूथ साउंड नहीं आएगा, कुछ रफ साउंड आएगा. ओके, या फिर आप फिजिकली उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं. ओके, उसको निकाल के आप देख सकते हैं वो काला पड़ गया होगा, बर्न मार्क्स होंगे उसके ऊपर. ओके, करोजन हो गया होगा, रस्ट हो गया होगा, राइट, बिकॉज उसमें, या फिर एकदम काला पड़ गया होगा, और सम केसेस में तो वो टूट भी जाता है, इलेक्ट्रोड ब्रेक हो जाता है, बिकॉज इसमें इतनी हीट जनरेट होती है, राइट, ब्लास्ट हो रहा है पेट्रोल का, तो हीट तो है ना. ऑल्दो इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी हाई प्रेसिशन मेटल, बट हीट तो है, राइट. सो ये सारे तरीकों से आप पहचान सकते हैं कि वो आपका स्पार्क प्लग ख़राब है. ओके, या फिर आपकी माइलेज पे इम्पैक्ट होगा, फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा, माइलेज नहीं दे रही होगी मोटरसाइकिल, या फिर एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है आपको, जो परफॉर्मेंस है वो नहीं मिल रही है, तो ये भी फॉल्टी स्पार्क प्लग के रीजंस हो सकते हैं. ओके, और दूसरा है कि अगर आपका स्पार्क प्लग ख़राब है तो वो आपके इंजन को भी डैमेज कर सकता है. ऑल्दो आई ऑलवेज से कि मॉडर्न इंजन्स कैन टेक लॉट ऑफ अब्यूज, बट स्टिल अ फॉल्टी अ बैड स्पार्क प्लग कैन एक्चुअली सीवियरली डैमेज योर इंजन. ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं बहुत. या फिर आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो गैप में कोई इश्यू है, राइट, तो मिसफायर करेगा, बर्न नहीं कर पाएगा, हीट क्रिएट नहीं कर पाएगा टाइम पे. ओके, टाइमिंग ऑफ द स्पार्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट. वो जो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के टॉप पे, जब कॉम्प्रेशन स्ट्रोक टॉप पे होता है तभी उसको स्पार्क जनरेट करना होता है, राइट. और ये स्पार्क कंटिन्यूसली जनरेट करना है उसको. ओके, हम तो मोटरसाइकिल चलाते हैं या गर्लफ्रेंड के साथ या वाइफ के साथ, या हम अकेले भी चलाते हैं मोटरसाइकिल, तो हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो मोटरसाइकिल के अंदर बेचारी के तो काफ़ी कुछ हो रहा है, राइट, पूरी साइंस हो रही है. दैट्स वाई मोटरसाइकिल्स आर सो फैसिनेटिंग. इंजन में तो कॉन्स्टेंटली स्पार्क जनरेट हो रहा है, वो चार स्ट्रोक्स हो रहे हैं, कंटिन्यूसली वो फोर स्ट्रोक्स हो रहे हैं, राइट. सो टाइमिंग ऑफ द स्पार्क प्लग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उसको स्पार्क टाइम पर क्रिएट करना है. अगर आपकी इंजन स्मूथ है, प्रॉपरली चल रही है, ओके, माइलेज ठीक ठाक है, एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस अच्छी है, ओके, देन दैट मीन्स योर स्पार्क प्लग इज़ गुड. सो फ्रेंड्स, मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर इन्फॉर्मेशन काम की थी, यूज़फुल थी, तो हिट द लाइक बटन, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस माय वीडियो, एंड ऑल्सो इट विल इंस्पायर मी टू ब्रिंग मोर सच वीडियोज़ फॉर यू. अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, राइड हार्ड, राइड फेयर.